हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टू कलर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी सा स्वेटर डिजाइन पैटर्न। देखने में फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कमाल का है। तो चलिए डिजाइन पैटर्न स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन जो है ना, देखिए यहाँ पर टू के मल्टीपल आपको ये फंदे लेने हैं। आप टू के मल्टीपल कितने भी फंदे ले लीजिए, आपका डिजाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टू के मल्टीपल जो है 16 फंदे लिए हुए हैं और ये डिजाइन जो है 8 रो की डिजाइन है। 4 रो आपको देखिए इस तरीके से सीधा सीधा वाइट कलर से, जो बेस कलर आपका है, जिस कलर से आप जो है बॉर्डर बनाएंगे, उस कलर से आपको 4 रो सीधा उल्टा बुनाई करना है। तो फ्रेंड्स, डिजाइन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन की घंटी है, उसे प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये डिजाइन जो है, डिजाइन की पहली सिलाई है, इसको हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जब आपको डिजाइन अच्छी लगे ना, तभी लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी डिजाइन कैसी लगी। क्योंकि आप लोग एक कमेंट करते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और भी अच्छा अच्छा डिजाइन बनाकर लाने का मन करता है। तो चलिए इस तरीके से हमारा सपोर्ट कीजिए। तो देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट रो सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो गया है। सेकंड रो है उल्टा साइड है, ये से फर्स्ट फंदा स्लिप करके ये हम दूसरी सिलाई भी उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। कोशिश करते हैं कि देखने में खूबसूरत हो और बनाने में जो डिजाइन आसान हो, वही हम आप लोगों के लिए लेकर आए। तो ये डिजाइन तो आँख मूंद कर, अगर आप डिजाइन बनाते हो तो आँख मूंद कर बना सकते हो, लेकिन अगर बिगनर भी है ना, तो भी वो लोग इजली इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये 2 रो हो चुका है। अब यहाँ पर हम ये 3 रो भी सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए गैप अपने ऊपर है, आपको कितना रखना है, लेकिन यहाँ पर अगर 4 सिलाइयों का गैप रखेंगे ना, तो बहुत ही प्यारा लुक आएगा बन करके। तो 4 सिलाइयों में डिजाइन बनेगी और 4 सिलाइयों में ये जो है सिंपल सा इस तरीके से बीच में गैप रहेगा। तो ये हमारा 3 रो कंप्लीट हो गया। रो 4 है, बैक साइड है, फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई हमें उल्टा उल्टा बुन करके फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे। जो भी कलर आप यूज कर सकते हैं या जो कलर आपको पसंद हो, उस कलर में आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए तो एकदम समझ लीजिए खूब बढ़िया बढ़िया चटक चटक जो है अच्छे अच्छे कलर आप उसमें यूज कीजिए, बहुत ही प्यारे बनकर आएंगे। तो यहाँ पहले देखिए हम फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और ये 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ देखिए 2 फंदा हमने वाइट से बुन लिया है। अब यहाँ देखिए ग्रीन कलर हमारा है सेकेंड कलर, तो इससे 2 फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदा हम देखिए वाइट से बुनेंगे, फिर हम 2 फंदा जो है ग्रीन से बुनाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदा हम वाइट से बुनेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, दोनों साथ में कलर चलेंगे। देखिए फिर देखिए ये 2 फंदा हम वाइट से बुनेंगे और ये लास्ट में 2 फंदा हमारा ग्रीन से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये
बैक साइड है। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रीन है ना उसको हम बुनाई करेंगे, तो साइड का एड स्टिच है इसे बुन लेंगे, और ये जो है इसके बाद हम वाइट कलर से बुनाई करेंगे। देखिए फिर हम ग्रीन से बुनाई करेंगे, फिर देखिए वाइट से बुनाई करेंगे, अगेन हम ग्रीन से बुनाई करेंगे, फिर इसके बाद ये वाइट से बुनाई कर लेंगे, फिर ग्रीन से बुनाई करेंगे और ये वाइट से बुनाई करेंगे। तो देखिए ये डिजाइन पैटर्न जो है ना यहाँ पर हमारा 6th row कंप्लीट हो चुका है। अब 7th row में देखिए चेंज करना है। अब यहाँ हमने जो है वाइट पर ना हमें ग्रीन से बुनना है, जो सफ़ेद रंग है उस पर अब हम हरा रंग से बुनेंगे। देखिए अब जब हरा रंग जो है इस पर हम ये सफ़ेद रंग से बुन देंगे। देखिए चेंज हो गया कलर, अब यहाँ पर ये वाइट से बुनेंगे देखिए, और यहाँ पर हम ग्रीन से बुनेंगे, अगेन देखिए वाइट से बुनेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम ग्रीन से बुन लेते हैं, फिर देखिए वाइट से बुनेंगे, फिर यहाँ पर हम सॉरी ग्रीन से यहाँ पर वाइट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये डिजाइन का 7th row कंप्लीट हो गया है। 8th row है बैक साइड है। अब देखिए आप साइड का हम स्लिप करते हैं और ये बुन लेंगे, फिर इसके बाद 2 फंदा ग्रीन, जो जिस कलर से है उससे आपको बुनाई करना है। देखिए हरे रंग पर हरा रंग बुनाई करिए और ये सफ़ेद रंग पर सफ़ेद रंग आप बुनाई कर लीजिए। तो देखिए 2 फंदे हमारे ये हरे रंग के हैं और 2 फंदे हमारे ये सफ़ेद रंग से हैं, फिर ये 2 फंदे हमारे हरे रंग से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन पैटर्न का यही 8 सिलाइयों का डिजाइन है। अब यही आप रिपीट करते जाएंगे तो पूरी डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आएगी। और फ्रेंड्स इसे किसी भी कलर में आप बनाओ ना बहुत ही खूबसूरत बन के आती है। तो अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो और मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।